हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर सब्जेक्ट में एक्सरसाइज फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर फाइव तक हम कल करा चुके हैं आप लोगों को। ओके स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर सिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, अपनी बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर टू सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग आर डिजिट। जो भी नंबर आपको नीचे दिए गए हैं उनसे आपको एक सबसे बड़ी डिजिट बनानी है और एक सबसे छोटी, उन्हीं नंबरों का प्रयोग करके। जैसा ए वाले ये तो डिजिट है आपको दिए हुए 279, ये नंबर दिए गए हैं आपको 279 नंबर दिए गए हैं, इससे आपको एक डिजिट बनानी है, एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट नंबर। हम आपको बता दें जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया जाता है। जो बड़ी संख्या लिखेगा उसे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी के बड़े से छोटे की ओर, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सब में छोटा नंबर आएगा। इसी तरह स्मॉलेस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर उसमें जीरो ना हो तो, अगर जीरो नहीं है तो हम उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। अगर जीरो है तो जीरो तो कोई डिजिट नहीं होती, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो उसे हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, क्या अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बना रहे हैं आप तो जीरो सबसे छोटी है, तो इस हिसाब से आपको जीरो को सबसे पहले लिखना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, जीरो को आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हैं। अगर आप ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो लास्ट में लिखी जाएगी। ओके स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए ये 279 है, इसकी हमें स्मॉलेस्ट बनानी है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटा नंबर चाहिए। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 279 में, क्या है 2, तो सबसे पहले यहां पे 2 लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा क्या है 7, तो हम यहां 7 लिखेंगे। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है 9, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट होगी 279। ओके स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखिए यहीं पे आप लोग कि इस डिजिट में आप कोमे नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो पीरियड के हिसाब से लगाएंगे अगर बड़ी डिजिट है, अगर नहीं तो आप इसमें कोमे नहीं लगाएंगे। जैसे कि ये 2 के बाद है, 7 के बाद है, इसी तरह आपने अगर यहां 2 के बाद और 7 के बाद 2 लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर ये डिजिट ना रहेगी, नंबर ही हो जाएंगे। ओके, अब आप इसकी ग्रेटेस्ट लिखेंगे। देखिए ग्रेटेस्ट कौन कौन से हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर देखेंगे क्या है, 279 में सबसे बड़ा क्या है 9, और 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 2, ऐसे लिखिए 972, ये इसकी ग्रेटेस्ट हो गई, और 279 ये इसकी स्मॉलेस्ट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी, अब इसे देखिए, पहले इसकी स्मॉलेस्ट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वैसे कि उसमें जीरो न हो, लेकिन इसमें जीरो है तो हम यहां सिर्फ में जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर जो छोटी संख्या होगी जीरो से बड़ी होगी वो वाले लिखेंगे, तो वो क्या है 3, तो हम 3 लिखेंगे और जीरो को सेकंड नंबर पे लिखते हैं 0, और लास्ट में सबसे बड़ी 9। इसी प्रकार हम इसकी ग्रेटेस्ट लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 3 है, 0 है, 9 है, तो सबसे बड़ी क्या है 9।
9 से बड़ी क्या है 3, ओ 9 से छोटी क्या है 3 और सबसे छोटी क्या है 0। तो 900 पहले सबसे बड़ी फिर से छोटी लास्ट में सबसे छोटी आएगी। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको ये जो बचे हुए दो क्वेश्चन है सी डी, इसी तरह आपको ये बुक में फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डू दिस सम, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सम के हैं, आप लोगों से सभी आते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। आप पहले मेरा कॉपी पे करना और उसके बाद मेरा कॉपी करने के बाद आप इनके आंसर यहाँ पे लिख लेना। इसी तरह 8 में से भी एक क्वेश्चन, 9 में से भी एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये डिजिट है आपको इन्हें प्लस करनी है, ऐसे ऊपर कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे लिख के इन्हें प्लस करते हैं। ये 3 है, ये 9 है, 3 में 9 प्लस कीजिए, 9 से आगे काउंट कर लीजिए 3 तक, 9 से आगे 10, 11, 12, तो क्या आ गया 12, 1। अब 8 और 1 9 9 और 4 13 13 1 7 और 1 8 8 और 6 8 काउंट कर लो 9 10 11 12 13 14 14 का 4 8 1 4 2 6 1 7। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अरेंज करने हैं, इन्हें कॉलम में अरेंज करना ऊपर नीचे लिख के, तब आप इन्हें प्लस करेंगे। पहले डिजिट क्या है हमारी 3050, ऐसे लिखिए, फिर इसके नीचे प्लस के बाद में जो भी डिजिट होगी वो लिखूंगी आपको। हमेशा आप लिखना वंस की साइड से शुरू करते हैं, पहले वंस की साइड लिखिए 1 4 6 2, ऐसे लिखिए, एक हो रहे। और लास्ट में क्या है 365 5 6 3, हमेशा खाली स्पेस इस साइड बचना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 0 हो गया, ऐसे 0 लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप इन्हें प्लस कर सकते हैं 1 6 1 0 6 1 और 0 1 1 और 6 7 7 और 3 10 10 और 4 4 2 6 6 0 0, ऐसे आपने कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे ए वाले क्वेश्चन में पहले प्लस का चिन्ह है फिर उसके बाद माइनस का है। अगर पहले प्लस का चिन्ह है, यहां पे देखिए पहले प्लस है फिर माइनस है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले माइनस है फिर माइनस है तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे उसके बाद भी माइनस ही करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में पहले माइनस है फिर प्लस है तो आप इस क्वेश्चन को पहले जो प्लस वाली डिजिट है उसे इस साइड ले आएंगे और माइनस वाले को लास्ट में ले जाइए। ओके स्टूडेंट, जैसे कि
अब ये क्वेश्चन है, हम इसे ऐसा ही कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, पहला हमें इसे चेंज करना होगा। इसे पहले हम लिखेंगे 943 प्लस 517 माइनस 268, ऐसे चेंज कर लेना होता है। पहले हम प्लस करेंगे उसके बाद ही माइनस करेंगे, ये बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ऐसे किया जाता है। तो क्या करेंगे, 943517 यानी 517 प्लस कर देंगे 7 और 3 10 कैरी वन यहां पे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6 6 आ गए। अब 9 और 5 14 ये 14 हो, ये 1460 आंसर है। अब आप इसको यहां पे लिखेंगे 1460 और जो हमारी बची हुई है माइनस वाली, और इसे आप इसमें से जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे 268। ये स्पेस थर्ड और यहां पे जीरो लगा दें, जीरो है, जीरो में से हम एक माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इधर से चेंज लेंगे, कितना हो जाएंगे 10 में से के 2 और इधर बचे हमारे 5 से 6 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप फोर से एक ले लेंगे इधर से, कितने हो जाएंगे इधर 15 और 15 में से 6 गए 9। अब इधर रहेंगे कितने 3 में से 2 गए 1 और यहां पे भी 1 लगा। अगर आप माइनस का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि ये सवाल गलत है या सही है, तो आप क्या करेंगे इस वाले डिजिट को आंसर को प्लस कर दीजिए। अगर आपके ऊपर वाले डिजिट आंसर आती है तो आपका सवाल सही है, वरना गलत है। 8 और 2 10 10 की 0 1 9 1 10 6 16 1 1 और 2 3 और 1 4 और 0 1 1 देखा आपने, ये वाले अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आंसर आता है, और ये हमारा है, तो ये हमारा क्वेश्चन माइनस का बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी दो प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 35 मल्टीप्लाई 50, इसका एक शॉर्ट मेथड है। क्या है ये 50 है, तो हम इसे 0 से 50 से मल्टीप्लाई ना करके 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहां 0 नहीं है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का टेबल ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 का टेबल आपको 5 बार पढ़ना है। 5 बचा 5, 5 बचा 10, 5 बचा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, तो 25 ये आपका 25 है, तो जो कौन साइड होगा वो यहां लिखा जाएगा, जो इधर बचेगा वो यहां केरी में चला जाएगा। ओके, अब ये 5 है, अब इस 5 पर टेबल आप 3 बार करेंगे, 5 जा 5 5 जा 10 5 3 जा 15, और 2 आपके पास ही है 15 16 17, आप 17 लिखिए। अब यहां 0 थी,
तो ये जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। और सेकेंड मेथड क्या है, हम इसे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मेथड है, आप जानते हैं अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई जीरो के साथ की जाती है तो वह संख्या जीरो ही हो जाती है। फाइव का टेबल हमें और जीरो का टेबल हमें फाइव का पढ़ना है, तो जीरो फाइव का जीरो, अब जीरो का टेबल हम थ्री बार पढ़ेंगे, जीरो थ्री का जीरो, अब पहले डिजिट से क्रॉस का निशान लगाएंगे, अब फाइव का टेबल फाइव बार पढ़ेंगे, उन्हें आप प्रेस करेंगे जीरो में जीरो, फाइव जीरो फाइव, सेवन के पास कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो सेवन का सेवन और वन का नाइन, देखो दोनों का आंसर इक्वल है ना इक्वल। तो आप क्वेश्चन नंबर टेन को आप रख कर उसमें फेयर कॉपी में करेंगे, ये सभी क्वेश्चन नंबर टेन कॉपी में, और इस वाले में हम से करेंगे, इस वाले से नहीं, शॉर्ट मेथड से नहीं करना, लॉन्ग से करना है। ओके स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर इलेवन ये फर्स्ट मेथड से नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर इलेवन ये सेकंड मेथड से होगा, इसी वर्क वाले से, इसीलिए हमने आपको कहा है कि आप सेकंड मेथड से ही कर लिया। ओके, ऐसे अब ये फोर है, ये थ्री है, तो फोर का टेबल हम थ्री बार पढ़ेंगे। ओके पढ़ो, फोर का टेबल थ्री बार, चार बार ऐसा लाइन खेलते पढ़ सकते हैं लाइन के ऊपर, फोर में जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में क्या है टू, तो ये यहां चला गया और ये खेरी यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फोर, तो फोर का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, फोर बार, फोर फोर जा सिक्सटीन और वन सेवनटीन, अब पहले नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, अब नेक्स्ट जो भी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास टू, अब टू का टेबल हमें थ्री बार पढ़ना है, ये टू का जो टेबल है ये हमें थ्री बार पढ़ना है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, अब आप यहाँ पे सिक्स लिखेंगे, एक बॉक्स में एक लिखें और डिजिट के नीचे एक डिजिट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक डिजिट के नीचे आपने दो डिजिट लिख दी, तो जब आप उसे प्लस करोगे तो वो क्वेश्चन प्लस करने में गलत हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक बॉक्स में एक ही लिखें। अब टू का टेबल हम फोर बार पढ़ेंगे, टू फोर जा एट, एट, अब जो दो लाइन के बीच में है डिजिट उन्हें प्लस करेंगे, टू के टू, सेवन और सिक्स थर्टीन, थर्टीन का थ्री, कैरी वन, एट और वन नाइन और वन कैरी नाइन टेन, ये हो गया। तो आपको टेन और अलेवन दोनों क्वेश्चन इस मेथड से ही करने हैं, यानी शॉर्ट मेथड से करने हैं। ओके स्टूडेंट, और दोनों के दोनों क्वेश्चन आप इन्हें रफ कॉपी सॉरी फेयर कॉपी पे ही करेंगे, पहले रफ पे करेंगे, उसके बाद जब आपका आंसर सही आ जाएगा तो आप उसे फेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व,
क्वेश्चन नंबर 12 डिवाइड एंड चेक द आंसर डी आई बी आई डी ई डिवाइड एंड सी एच ई सी के चेक द आंसर डिवाइड के क्वेश्चन आप लोग बताते ही हैं और एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं। थर्टी एट टू ये क्वेश्चन है, डिवाइड के क्वेश्चन है या मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप जब तक आप पे टेबल नहीं आएंगे तब तक नहीं होंगे। सबसे पहला काम है कि आप कम से कम 20 तक के टेबल लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी प्रकार अगर आपके याद है तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्लास फोर्थ वालों से सबको टेबल बनाने भी आते हैं, सिखाए हुए हैं सबको, सबसे पहले आप टेबल बना के लिख लीजिएगा। अगर याद नहीं है कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले टेबल की आवश्यकता होती है, तो आप पहले टेबल बनाइए, बराबर में लिख लीजिए, नहीं आता आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर करिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम किस डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो टू का टेबल कौन सा आता है, आता है ना, सबसे आता है। अब देखेंगे यहां पर डिजिट कौन सी है, ये थ्री है, ये किस डिजिट से कम है, ये ज्यादा है, ज्यादा है तो टेबल चल जाएगा, अगर कम है तो फिर चल जाएगा, तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलाकर इसका पेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो ये थ्री है, अब हम टू का टेबल पढ़ के देखेंगे, अगर टू का टेबल में थ्री आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो जहां ज्यादा हो जाएगा, अगर थ्री जो ज्यादा होगी तो फोर जो चलाएंगे, फाइव जो ज्यादा हो गए तो फोर जो चलाएंगे, नाइन जो ज्यादा हो गए तो एट जो चलाएंगे, टेन जो कभी चलाते नहीं है। ओके, टू या टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर ज्यादा हो गया, अधिक हो गया तो टू जो ज्यादा हो गया इसलिए हम वन जो चलाएंगे, पहले यहां पे लिखेंगे वन, टू टू जा टू या टू, यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब थ्री से टू माइनस करेंगे वन बच गया। अब यही रुकिए और चेक कीजिए, हमेशा जितनी बार भी आप माइनस करेंगे जो आपका रिमाइंडर है वो आपके टेबल से काम आना चाहिए जितनी बार, वरना जीरो आएगा, अगर यहां भी थ्री होते हैं भी थ्री होते तो जीरो आएगा, तो हमेशा इससे काम आना चाहिए, तो आपका सवाल सही हो रहा है वरना गलत है। फिर ये कम है तो हम एट मिलाएंगे इसके साथ, एट को डबल करेंगे नीचे लाएंगे इसके बराबर में, वन के ये नहीं यहां यहां ले आए या इधर ले आए, ये इसके बराबर में ये आएगा तो कितना हो जाएगा मिलके, ये वन है ये एट है, कितने हो गए 18 हो गए। अब हम टू का टेबल पढ़ के देखेंगे इसमें 18 आता है या नहीं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, देखो यहाँ पे भी 18 है तो 9 जा है, तो सबसे पहले इस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे 2 9 जा 18, अब 18 को 18 के नीचे लिखेंगे और इसे माइनस करेंगे, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब हमारे पास उतारने के डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर ये कहता चेक द आंसर, आप अपना आंसर चेक कीजिए, पहले हम इनके नाम समझ लेते हैं किस डिजिट को क्या कहते हैं। जो ये हमारे डिजिट है इसका नाम होता है डिवाइडर, डी आई डी आई डी ई एंड डी डिवाइडर, यानी कि भाग है,
ये क्या है? डिवाइडेंड, जिसे हम डिवाइड करते हैं, जिस संख्या को भाग किया जाता है वही डिवाइडेंड कहलाती है। और जो हमारे यहां पे बचेगा उसका नाम होता है रिमाइंडर। In this says fun. और जो ये आंसर होता है क्या होता है? क्यों सैन क्यों यू ओ टी आई ई एन टी क्यों सैन यानी के भाग फल। और ये कहलाता है हमारा डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर डिवाइजर, इसे कहते हैं भाजक। भाजक अब इसमें आपको दिया हुआ है डिवाइड एंड फाइंड करना, यानी कि अगर हम ये चाह रहे हैं हमारा क्वेश्चन सही है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिवाइजर है, जो हमारा क्वाड्रेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टू की ओर माइंड लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम जो पॉइंट बचा उसे प्लस कर देंगे। इसमें जीरो है तो प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, अगर होता तो हम इसमें प्लस कर देंगे। जैसे कि हमें निकालना, अगर हमारा ये आंसर आता है 38 तो हमारा क्वेश्चन सही है वरना गलत है। प्लस रिमाइंडर हमारे कितना है 2, तो हम उसे यहां टू करके चले चले मल्टीप्लाई। क्वेश्चन कितना है हमारा 19 को यहां लिखेंगे, फिर प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 0, तो हम यहां 0 को लिखेंगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस की 19 मल्टीप्लाई 2। आप 2 बटे कितना एक बार पढ़ेंगे, 2 9 18 केरी 1, अब 1 है ऊपर तो 2 बटे कितना एक बार पढ़ेंगे, 2 2 और 1 3 क्या हुआ 38 आ गया। अब हमें इसमें कितना प्लस करना 0, आप जानते हैं अगर 0 प्लस करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी सेम की सेम, तो प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ 2 3 5 8 9 कोई भी डिजिट होती तो फिर हम उसे प्लस करते जो भी हमारा आंसर आता है इसमें। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको करना है, देखो आपका आंसर 38 आ गया तो आपको पता चलता है इस तरह कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार आप जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको ये सोल्व कर लेने हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और 12 है और इसके बी सी डी क्वेश्चन आप पहले रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद में आपको इन्हें फेयर कॉपी में करना है। और सेम डिवाइड मैंने अभी आपको समझाया है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 का भी डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें चेक नहीं दिया, आप इसका चेक ना करें, चेक कर लें, आपकी इच्छा है रफ कॉपी में चेक कर लें, फेयर में ना करें। ओके, अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।